अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो भाई आज हम आए नॉकआउट, तो नॉकआउट जो कि बहुत मशहूर है बर्गर्स और पिज़्ज़ा के हवाले से, लेकिन आज हम इनका ट्राई करेंगे पिज़्ज़ा। हाँ, तो हम यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे। पहला है स्टफ क्रस्ट और दूसरा है पैन पिज़्ज़ा, जो कि फुल ऑफ टॉपिंग है, टॉपिंग से भरा हुआ। और यहाँ का हम टेस्ट ट्राई करके बताएंगे आपको कैसा टेस्ट है। तो तो जब भी आप आएंगे तो फैमिली को भी आप साथ लेके आ सकते हैं और खुद भी अकेले भी आ सकते हैं। टेक अवे भी है और ऑर्डर भी आप कर सकते हैं, आप ही घर में भी डिलीवरी कर सकते हैं। तो भाई मैं ले आ सकता हूँ, एवरीथिंग इज़ ओके और सब ठीक है, सब कंप्लीट है और बहुत नीट एंड क्लीन। पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है। स्टफ क्रस्ट पिज़्ज़ा की डो जो है बहुत थिन होती है, लेकिन वेट में बहुत हैवी होती है और टेस्ट में बहुत डिलीशियस होता है। और नॉकआउट के पास स्टफ क्रस्ट के अलावा सिंपल पैन पिज़्ज़ा भी अवेलेबल है। और कौन सा फ्लेवर मंगवाया है ये अभी नहीं बताएंगे, पिज़्ज़ा आ जाए तब आपको बताएंगे, अभी लेकिन इंतज़ार नहीं हो रहा। क्या खुशबू आ रही है पिज़्ज़ा की, ज़बरदस्त। हाँ भाई दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमारे पिज़्ज़ा आ चुके हैं, जो हमने एक स्टफ क्रस्ट मंगवाया था और एक मंगवाया था सिंपल पैन पिज़्ज़ा। तो स्टफ क्रस्ट में जो है अपना फ्लेवर हमने सुप्रीम मंगवाया था, जो कि फुल ऑफ टॉपिंग है और इसमें मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं, चीज़ है। और ये फुल स्टफ क्रस्ट का आपको जैसे पता है इसकी डो जो होती है थिन होती है, थिक नहीं होती, लेकिन ये उससे हैवी होता है। लेकिन और इसको खाएंगे और बताएंगे है कैसा। और इसका फ्लेवर मैं आपको बताऊँगा सिंपल पैन पिज़्ज़ा का, इसका फ्लेवर है हमारा हॉट एंड स्पाइसी। तो ये भी खाएंगे और ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ की पिज़्ज़ा ट्राई करे और पहला था स्टफ क्रस्ट, ये स्टफ क्रस्ट है, ये आप देख ही रहे होंगे कि हम खा रहे हैं, अभी मजीद खाएंगे, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका। और दूसरा था पैन पिज़्ज़ा, ये है हॉट एंड स्पाइस फ्लेवर में, और ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और तो अभी हम मज़ीद खा लें, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था और देखने में जब आया था तो टेम्प्टिंग लग रहा था और बहुत डिलीशियस था। दोनों हमने लार्ज मंगाए थे और लार्ज के प्राइस है 700 ईच, और पैन पिज़्ज़ा में हाफ भी होता है जिसमें हाफ टॉपिंग भी होती है, और वो है 450 रुपीज़ का। तो भाई मैं रेकमेंड करूँगा आपको,
कब आप यहाँ पे लाजमी आएँ और यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। नॉकआउट का हमने पिज़्ज़ा ट्राई करा है जो कि बहुत अच्छा लगा हमें, टेस्ट में अच्छा है। और इनकी कोई डील्स हैं, एक डील मैं आपको बताऊँ जो कि 1200 में 3 लार्ज पिज़्ज़ा है लेकिन ये हाफ टॉपिंग में, और बहुत अच्छा है टेस्ट में। हमने तो दोनों लार्ज मंगवाए थे लेकिन फुल टॉपिंग में मंगवाए थे और बहुत ज़बरदस्त लगा। आप लोग ज़रूर आइएगा और यहाँ ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा ट्राई किए और जो कि दोनों ही बहुत अच्छे थे, स्टफ क्रस्ट और पैन पिज़्ज़ा दोनों बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। और नॉकआउट को जो है बहुत ही कम टाइम हुआ है, अप्रैल में इसकी ओपनिंग हुई थी और माशाल्लाह से मैंने बहुत कम टाइम में ही अचीवमेंट हासिल किए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने आगे सुना था कि भाई यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा होता है और टेस्टी होता है, तो जब भी हम यहाँ पे आए हमें किसी ने सजेस्ट किया था और बाकी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पे लाजमी आइएगा और टेस्ट ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ का एड्रेस बताऊँ, R31 शॉप नंबर 1 है और ये FB एरिया ब्लॉक 9 लगता है। तो आप लोग ज़रूर आइएगा, यहाँ विज़िट कीजिएगा, इनका पिज़्ज़ा ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा, और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं।